सो हेलो गाइस, कैसे हो सब? आई होप गाइस आप सब अच्छा होगे। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले चेस कॉम्पिटिटिव फोटो रीडिंग। तो गाइस ये रीडिंग मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था, आपको ये रीडिंग कैसे लगा वो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? तो गाइस आप लोग भी कुछ ऐसे एडिटिंग करते हैं तो मुझे इंस्टा पर टैग करना बिल्कुल नहीं मिला, ठीक है? तो गाइस इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ यूज किया जैसे गाइस बैकग्राउंड और पीएनजी, ये सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा पसंद आए। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए और गाइस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ हम भाई को इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, ठीक है? नीचे लिंक मिल जाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो कर लेते स्टार्ट। सबसे लगा क्या करना है, सबसे लगा पिक्चर एप्लीकेशन को ओपन आपको ये बल बैकग्राउंड को आप कैसे ओपन करना हो, ठीक है? देन गाइस सभी को से क्या करना, सबसे आपको ऐसे ऐड ऑर्डर है गाइस। देन गाइस सभी को ये बल चेस फ्लोर बल पेंज को आप कैसे ऐड करना हो, ठीक है? देन गाइस सभी को से क्या करना, बड़ा करके आपको कुतरे से आपको ये पर आपको सेट करके लगा दीजिए, ठीक है? बहुत बड़ा है। देन गाइस सभी को सीरीज में आना है गाइस, इसका हार्डनेस को थोड़ा सा माइनस करके इसका साइज को 100 में रख दीजिए, ठीक है? देन गाइस सभी को कुतरे से आपको सीरीज करना हो, ठीक है? बहुत बड़ा है, आपको कुछ रेस आपको सीरियस करना होगा। देन गाइस सभी को से क्या करना, अभी को फिर से गाइस सभी को ऐड ऑर्डर बनाए। देन गाइस सभी को से क्या करना, अभी को एक चेस वाली पेंज मिलेगा, वो पेंज को आपको सेट कर दीजिए, ठीक है? देन गाइस पेंज को क्या करना है, बड़ा करके आपको यह पर आपको सेट करके लगा दीजिए, ठीक है? बहुत बड़ा रहेगा, आपको कुछ रेस आपको आज से तरह सेट करके लगाना होगा, ठीक है? देन गाइस सभी को डन कर दीजिए। तो चले गए सब डन कर दिया। देन गाइस सभी को से क्या करना, फिर से गाइस सभी को ऐड ऑर्डर बनाए। देन गाइस सभी को एक मून वाली पेंज मिलेगा, वो पेंज को आपको ऐड करना होगा, ठीक है? तो चले गए इसमें पेंज को ऐड कर दिया। देन गाइस पेंज को क्या करना, जब बड़ा करके आपको ऐसे कुछ तरह से आपको सेट करके लगा दीजिए, ठीक है? जैसे कैसे मैं लगा दिया, आप भी कुछ तरह से पेंज को सेट करके लगाना होगा, ठीक है? देन गाइस सभी को से क्या करना कर दीजिए। तो गाइस आप देख सकते हैं जो मून है वो ग्लोइंग नहीं कर रहा है, ठीक है? आपको से क्या करना, ग्लोइंग करना होगा। ग्लोइंग करने के लिए से गाइस सभी को ऐड ऑर्डर बनाए। देन गाइस सभी को से एक व्हाइट ग्लोइंग वाली पेंज को आपको सेट करना होगा, ठीक है? देन गाइस सभी को इस पेंज को क्या करना, थोड़ा बड़ा करके सेट, सभी को थोड़ा स्मॉल करके आपको मून के ऊपर आपको अच्छे तरह से सेट करके लगा दीजिए, ठीक है? देन गाइस सभी को इसका ब्लेंडिंग मोड आपको चेंज करना होगा, ठीक है? तो चलिए गाइस ब्लेंड माना है। देन गाइस सभी को इसका ब्लेंड मोड आपको स्क्रीन रख के आपको कुछ तरह से आपका साथ साथ करके सेट करके लगा दीजिए, ठीक है? बहुत बड़ा रहेगा। देन गाइस सभी को डन कर दीजिए। देन गाइस सभी को से क्या करना, गाइस सभी फिर से आपको ऐड ऑर्डर बनाए। देन गाइस सभी को एक बार्स वाली पेंज मिलेगा, वो पेंज को आपको सेट कर दीजिए, ठीक है? देन गाइस पेंज को क्या करना, स्मॉल करके आपको इसके मून के ऊपर आपको अच्छे तरह से सेट करके लगा दीजिए। देन गाइस सभी को इसका ऑपोजिट थोड़ा सा माइनस करके आपको 50 में रख दीजिए, ठीक है? देन गाइस सभी को डन कर दीजिए। बहुत बड़ा रहेगा। देन गाइस सभी को क्या करना, अभी आपने मॉडल को ऐड करना हो, ठीक है? तो चले गाइस ऐड ऑर्डर बनाए। देन गाइस सभी को अपने मॉडल को आपको ऐड कर दीजिए। तो गाइस आपका बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो को देखने में अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, ठीक है? देन गाइस अपने मॉडल को आपको कुछ से बड़ा करके आपको यह पर आपको सेट करके लगा दीजिए, ठीक है? तो चले गाइस समाज से सेट करके लगा चुका हूँ। देन गाइस सभी को सीख करना डन कर दीजिए। देन गाइस सभी को सीख करना शेडो क्रिएट करना होगा, ठीक है? शेडो क्रिएट करने के लिए गाइस टूल्स में आना है। देन गाइस सभी को ऐसे आदर्श में क्लिक करके इसको जो ब्राइटनेस को -100 कर दीजिए, ठीक है? देन गाइस सभी को इरेज में आना है, इसका हार्डनेस थोड़ा सा माइनस कर दीजिए और इसका साइज को थोड़ा सा माइनस करके आपको कुछ तरह से आपका शेडो क्रिएट करना होगा, ठीक है? बहुत बड़ा है, जैसे कैसे मैं शेडो क्रिएट करता हूँ आप भी कुछ तरह से शेडो क्रिएट करना होगा, ठीक है? तो गाइस आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से शैडो क्रिएट कर दिया, ठीक है? देन गाइस सभी को डन कर दीजिए। बहुत बड़ा रह गया। देन गाइस सभी को कैसे करना, फिर से गाइस सभी को ऐड ऑर्डर बनाए। देन गाइस सभी को कैसे कुछ चेस वाली पेंज मिलेगा, वो पेंज को आप कैसे ऐड कर दीजिए, ठीक है? देन गाइस पेंज को क्या करना, थोड़ा बड़ा करके आप कैसे फुल स्क्रीन करके छोड़ दीजिए, ठीक है? ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। बहुत बड़ा रहेगा। देन गाइस सभी को डन कर दीजिए, ठीक है? देन गाइस सभी को क्या करना, अभी कैसे फिर से गाइस सभी को ऐड ऑर्डर बनाए। देन गाइस सभी को एक रोज वाली जैसे तो मैं पेंज को ऐड कर दिया, ठीक है? देन गाइस पेंज को क्या करना, स्मॉल करके आपको से अपने हाथ को आपको एडजस्ट करके लगा दीजिए, ठीक है? जैसे गाइस मैं पेंज को एडजस्ट करके लगा चुका हूँ, आप भी कुछ से पेंज को एडजस्ट करके लगाना होगा, ठीक है? देन गाइस सभी को सीरीज में आना है। देन अभी कैसे बाकी वाले पार्ट का आपका सीरीज कर दीजिए। तो चले गाइस हम इरेज कर देते हैं। तो गाइस आप लोग भी कुछ तरह से पेंज को आप कैसे इरेज करना होगा, ठीक है? देन गाइस सभी को से क्या करना, फिर से गाइस सभी को ऐड ऑर्डर बनाए। देन गाइस सभी को ऐसे एक शैडो इफेक्ट वाली पेंज मिलेगा, वो पेंज को आप कैसे ऐड कर दीजिए, ठीक है? तो चले गाइस मैं शैडो इफेक्ट वाली पेंज को ऐड कर देता हूँ।
तेरह हमारे साढ़े फिट वाले पेंजी आप कैसे ऐड करना ठीक है। देन गाइस पेंज को क्या करना, बड़ा करके आपको ऐसे नीचे आपको सेट करके लगा दीजिए, ठीक है, बहुत बड़ा रहेगा। आपको कुतरे से पेंज को सेट करके लगाना होगा, ठीक है। देन गाइस सभी को डन कर दीजिए। देन गाइस सभी को इसे ड्रॉ माना है। देन अभी को अपने फोटो को ऐसे ड्रॉ में सेव कर दीजिए, ठीक है, और चलते लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो गाइस आप जैसे दाम चुका लाइट रूम एप्लीकेशन में। देन गाइस सभी को क्या करना, अभी को ऐसे अपने फोटो को कलर कर सकना, ठीक है। तो चलिए गाइस कलर माना है, इसका जो वाइब्रेशन थोड़ा सा प्लस कर दीजिए और इसका सैचुरेशन माइनस करके इसका टेम्परेचर थोड़ा सा प्लस कर दीजिए, ठीक है। देन गाइस सभी को मिक्स में क्लिक करना होगा। देन गाइस सभी को इसे ऑरेंज कलर शेड करके इसका सैचुरेशन को थोड़ा सा प्लस कर दीजिए, थोड़ा सा प्लस करना होगा, और इसका लुमिनस को थोड़ा सा प्लस कर दीजिए, ठीक है। देन गाइस सभी को इसे क्या करना, आपको वैसे ब्लू वाली कलर शेड करना होगा, इसका ह्यू को थोड़ा सा माइनस करना होगा और इसका जो सैचुरेशन को हल्का से प्लस कर दीजिए, ठीक है। देन अभी को डन करके बैक आ जाना है। देन गाइस सभी को इफेक्ट माना है, इसका जो टेक्सचर को थोड़ा सा प्लस और इसका क्लैरिटी को थोड़ा सा माइनस करके इसका जो बिगनेट को थोड़ा सा माइनस कर दीजिए, ठीक है, माइनस करके आपको 10 वर्क रख दीजिए। देन गाइस सभी को ट्राइंगल माना है, इसका शार्पिंग को थोड़ा सा प्लस कर दीजिए और इसका जो नॉइज रेड उसमें थोड़ा सा प्लस और इसका कलर नॉइज रेड उसमें थोड़ा सा प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो कैसे जैसे बिफोर फोटो एंड आफ्टर फोटो, बिफोर एंड आफ्टर कितने अमेजिंग तरीके से एडिट हो चुका है। तो आई होप गाइस आज के वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आए, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए और गाइस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर गाइस।